हेलो फ्रेंड्स, आज हम इदड़ा बनाएंगे। उसके लिए हमने फ्लोर लिए हैं, उड़द का भी फ्लोर लिया है थिक और राइस का भी थिक फ्लोर लिया है। एक कटोरी हमने राइस फ्लोर लिया है और आधी कटोरी उड़द दाल का थिक फ्लोर लिया है और दोनों मिक्स करके उसमें दही डालेंगे या फिर बटर मिल्क डालेंगे। अगर बटर मिल्क डालते हैं तो दो कटोरी डालना है, अगर दही डालते हैं तो एक कटोरी दही और दूसरा पानी डाल देना है और पानी वार्म लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं लेना है, फ्रिज का नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है या फिर थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है या फिर बटर मिल्क या दही पूरा नहीं डाल देना है। दही आप पहले डाल दें, उसके बाद मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी या फिर बटर मिल्क डालें। और अगर आपको एक दो घंटे में बनाना है तो आप इसमें लेमन जूस 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। खट्टे चाहिए तो आपके खट्टे ही अच्छे लगते हैं ये इदड़ा, इसलिए 1 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस डाल दें। और बेकिंग सोडा इसमें अगर आप 2 घंटे में बनाते हैं 1 घंटे में तो आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें, और अगर आपको 10-12 घंटे बाद बनाना है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें। बैटर बनाते वक्त इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। फेंटने से क्या होता है, ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है बैटर और इसके इदड़े जो बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। और इसमें जितना हमने बैटर लिया है, फ्लोर लिया है, उससे दुगना से थोड़ा ज़्यादा बटर मिल्क लेना है। हमने 125 ग्राम आटा लिया है, 75 ग्राम उड़द का आटा लिया है, राइस फ्लोर 125 ग्राम लिया है और मिक्स करके ये हमारा हुआ 200 ग्राम तक हुआ है, तो हमने 400 ml से थोड़ा ज़्यादा बटर मिल्क लिया है। अब बैटर को ढककर रख देंगे। अब 1-2 घंटे के बाद इसमें हमने नमक डाला है, हमने 2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे के बाद बनाए हैं इसलिए 1/2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। और स्टीमर में पानी गरम कर लेना है और उसमें डिश रख लेनी है, थाली आपको रख लेनी है और ग्रीस कर लेनी है ऑयल से। ऑयल करने के बाद उसमें ढककर रख देंगे और अब इसमें बेकिंग सोडा हमने डाला है और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले स्टीमर में रख देना है डिश को गरम करने के लिए, उसके बाद ही बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसके बाद ऊपर से बैटर डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम स्टीमर में डाल देंगे डिश में। ये हमारा फूल रहा है। अगर आप 10-12 घंटे बाद बनाते हैं तो इसमें आप बेकिंग सोडा सिर्फ 1/4 टीस्पून ही डालें, इतनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये इतने स्पॉन्जी बनते हैं और इमीजिएटली बन जाते हैं और किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। हमारी 2-3 चटनियाँ इसमें हमने पहले अपलोड कर ली हैं, आप उनके साथ बना के खा सकते हैं। ये हमने बैटर डाल दिया है, अब इसे ढककर रख देंगे और बीच बीच में हम ढक्कन को ऐसे साइड में से उठा के पसीना पूरा निकाल देंगे, इसका स्टीम जो होता है वो निकाल लेंगे। ये हमारे बन चुके हैं, ये 5-7 मिनट में बन जाते हैं, ये हमारे बन चुके हैं। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढककर रख देंगे 20 से 1/2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद ये हमने निकाले हैं, ठंडे हो गए हैं अब हमारे ये पीसेस कर लेंगे और अब इसमें हम वघार देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून राई, हींग 1 टीस्पून, ग्रीन चिली, करी पत्ता और ये हमारा वघार तैयार हो गया है, इसमें डाल देंगे। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं इदड़े, टेस्टी एंड सोर। ये खट्टे हैं, हमने एक डिश 1 घंटे के बाद बनाई थी और दूसरी 12 घंटे के बाद, तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं।